नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ ट्रिक्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ होम से रिलेटेड। तो होम हैक्स मैंने बहुत टाइम से आपके साथ में शेयर नहीं करे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही आइडियाज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप आपके घर को क्लटर फ्री रख सकते हैं, चीजों को ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और छोटी मोटी चीजें जिनके लिए हम इधर उधर मार्केट में भागते हैं उन चीजों को रिपेयर करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी हम वॉल पर टीवी हैंग करते हैं वायर्स हमेशा विजिबल होते हैं। उसे हाइड करने के लिए आप इस तरीके का वायर डक्ट यूज कर सकते हैं। ये आपको लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। सबसे पहले लेंथ मेजर करें और उसके बाद में किसी भी नॉर्मल नाइफ या कटर से आप इसे कट कर सकते हैं। वायर डक्ट का बैक पोर्शन हम वॉल पर फिक्स करेंगे इन छोटे वाले नेल्स की हेल्प से। तो आपको नेल एकदम सेंटर पे रखना है डक्ट के और उसके बाद आप इसे हैमर से हिट कर सकते हैं। समहाउ अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो नेल आप पहले प्लायर में फिक्स करें और प्लायर के ऊपर आप हैमर हिट करें तो बहुत आराम से नेल वॉल पे चला जाएगा। जितने भी वायर्स अब आपके यहाँ पर हैं वो सारे के सारे आप इस डक्ट के अंदर आराम से इंसर्ट कर दें। उसके बाद में आपको इस वायर डक्ट का टॉप कवर लेना है, उसे ऊपर फिक्स करें और अच्छे से प्रेस कर दें। सारे वायर्स फटाफट हाइड हो जाएंगे। जब भी ये डक्ट्स आप परचेज करेंगे ये आपको आएंगे 8 to 10 feet की हाइट में और आप अपने हिसाब से इसे कट करके आपके घर में जितने भी वायर्स वॉल के ऊपर विजिबल हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पेंटेड वॉल है, कलर्ड वॉल है, तो उस पर आप लगा करके सेम कलर इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो ये आपका जो डक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं विजिबल होगा। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से क्विल्स एंड ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके बेड या शेल्फ पर रखते हैं? लेकिन जब भी आप उसे निकालते होंगे तो वो इस तरीके से अनफोल्ड हो जाता होगा। तो चलिए फिर मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले अपने ब्लैंकेट को एक फ्लैट सरफेस पर रखें और उसे कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लें। अब टॉप से यानी कि अराउंड 12 inches से आप नीचे की तरफ फोल्ड करें और सेम आपको इसे वापस ऊपर की तरफ भी फोल्ड करना है। अब आप इसे लेफ्ट और राइट साइड से सेंटर पर ला करके हाफ में फोल्ड कर लें कुछ इस तरीके से। ये जो टॉप वाला पोर्शन था अब इसे हम अंदर की तरफ एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक पॉकेट फॉर्म हो जाएगा। अब आपको इसे दो बार फोल्ड करना है अपने क्विल्ट और ब्लैंकेट की लेंथ के अकॉर्डिंगली और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका जाएगा इस पॉकेट के अंदर। अब ये बहुत कम स्पेस भी लेगा और आप इसे कैसे भी उठाएंगे ये अनफोल्ड नहीं होगा। आप चाहें तो इसे बेड पर एज अ कुशन भी रख सकते हैं और आप इसे जब शेल्फ में रखेंगे तो ये स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करेगा। जो आपके बड़े ब्लैंकेट्स हैं वो भी आप इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और इन्हें बहुत आराम से शेल्फ में रख सकते हैं, बहुत कम स्पेस भी लेने वाले हैं। शर्ट्स को फोल्ड करने का कन्वेंशनल तरीका तो हम सबको ही पता है, लेकिन जब मैं इस कन्वेंशनल वे में शर्ट्स फोल्ड करती हूँ तो हमेशा जो फाइनल फोल्ड होता है उसमें शोल्डर्स के पास में या तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है डिस्टेंस या बहुत नैरो रह जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए एक बहुत ईजी सा वे, सबसे पहले दो बटन्स लगा लें ऊपर से। अब आप इसे होल्ड करें टॉप और बॉटम से और उसे फ्लिप कर दें बैक साइड पर। सबसे पहले आप दोनों स्लीव्स को अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दें। अब आप इसे नीचे से होल्ड करें और इसे फ्लिप करें जहाँ तक आपकी स्लीव्स हैं। जो ये टॉप से पोर्शन है इसे आप वापस से फ्लिप करेंगे अंदर की साइड। बस हो गई आपकी शर्ट फोल्ड। इसे आप इस तरीके से होल्ड करें, एक बार लेफ्ट साइड में फोल्ड करें और एक बार राइट साइड में, और आपकी जो शर्ट है वो फोल्ड हो गई है। इसी तरीके से आप जितनी भी शर्ट्स फोल्ड करेंगे वो सेम डिस्टेंस में उनका मेजरमेंट आएगा और जब भी आप इसे शेल्फ में रखेंगे एकदम यूनिफॉर्म लगने वाला है। क्या ये आपके साथ भी होता है? जितनी बार भी आप अलमेरा को ओपन करते हैं अपनी शर्ट्स, टी शर्ट्स या टॉप्स को निकालने के लिए, जब भी आपको पाइल के बीच में से कोई शर्ट निकालनी होती है या तो आप इस तरीके से ऊपर से चीज़ें हटाते हैं फिर शर्ट निकालते हैं, या फिर जब आप उसे ऐसे होल्ड करते हैं तो बहुत सारे शर्ट्स अनफोल्ड हो जाते हैं। उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के टी शर्ट या फिर शर्ट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं।
ये आए हैं सेट ऑफ 10 में और इसमें आप बहुत आराम से 12 शर्ट्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑर्गेनाइजर लेना है, उसके ऊपर अपनी शर्ट रखनी है, उसके बाद में आप इस तरीके से उसे स्टैक करते चले जाएं एक के ऊपर एक। और अब इसे आप आपके जो शेल्फ है उसके ऊपर रख दें। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, जो भी शर्ट आपको बीच में से भी निकालनी है तो बस आपको इस फ्लैप को ऊपर हटाना है और बहुत आराम से आप शर्ट निकाल सकते हैं। तो कभी ना कभी हम सबको ही अपने अपने घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टिच करने की नीड पड़ी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको स्टिचिंग आए और सबके घर में स्विंग मशीन हो। तो ये जो किनारे होते हैं इनको आप बहुत आराम से फोल्ड कर सकते हैं हेम टेप की हेल्प से। हेम टेप में ऑलरेडी फैब्रिक ग्लू लगा हुआ आता है, जिसकी वजह से जो दो फैब्रिक्स होते हैं वो आपस में बहुत ईजिली पेस्ट हो जाते हैं। जहाँ पर भी आपको फोल्ड करना है वहाँ पर आप इस टेप को रखें, लेंथ मेजर करें, उसे कट करें। सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर टेप आएगा, वापस से जो भी फैब्रिक आपको पेस्ट करना है उस पर फैब्रिक को आप यहाँ पर रख दें। आयरन लेनी है और आयरन से इसे प्रेस करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्लू है, आयरन हीट जनरेट करता है जिसकी वजह से जो फैब्रिक है वो आपस में पेस्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए आसन बना रही थी तो मैंने सैटिन की लेस ली है जो मैं चारों तरफ एज अ बॉर्डर यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा थिक फैब्रिक होगा उसको पेस्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बट इस तरीके के जो थिन फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत आराम से पेस्ट हो जाते हैं। स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैक है अगर आपके कर्टन्स बहुत ज़्यादा हाइट में लॉन्ग हैं तो उन्हें आप इस हेम टेप की हेल्प से फटाफट फोल्ड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि फैब्रिक बहुत ज़्यादा थिक ना हो। जब भी आप अपना स्टेशनरी ड्रॉअर ओपन करते होंगे आपको बहुत सारे पेपर बाइंडर क्लिप्स मिल जाते होंगे। ये सिर्फ पेपर को होल्ड करने के लिए नहीं, घर में और भी तरीके से यूज आ सकता है। जब भी आप अपना लैपटॉप चार्ज करते होंगे तो जो चार्जिंग केबल है वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाता होगा, तो उसे फिक्स करने के लिए आप बाइंडर क्लिप्स यूज कर सकते हैं। टेबल के एज पे लगा दें, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मेरा जो जिसके ऊपर मैं लैपटॉप रखती हूँ उसके एज पर या फिर कॉर्नर पर मैं कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर देती हूँ। अब अगर ये आराम से वायर इसके अंदर से ना निकले तो आप इसे बहुत आराम से प्रेस करके कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर आप वायर लगाएं और वापस आपको इसे अंदर की तरफ स्क्वीज करके वापस फिक्स कर दीजिए और आपका जो वायर है अब वो अपनी जगह पर एज इट इज मेंटेन रहेगा। फोटोग्राफ्स हम सभी अपने अपने स्टडी टेबल पर रखते हैं। अगर इसे होल्ड करने के लिए आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप बाइंडर क्लिप्स यूज कर सकते हैं। क्लिप के अंदर फोटो को इंसर्ट करें, बैक साइड से आप इसे वापस ऊपर की तरफ फ्लिप कर दें और फ्रंट से आप इसे वापस स्क्वीज करके थोड़ा सा बाहर निकाल दें और आपका एक जो स्टैंडी है या जो फोटोग्राफ स्टैंड है वो रेडी है। ये क्लिप्स और भी एक तरीके से यूज हो सकते हैं, वो ये है कि आपके जो हेडफोन्स या फिर जो आपकी चार्जिंग केबल्स होती हैं उसको आप फोल्ड करें और इसके अंदर इंसर्ट करके एक जगह आराम से ऑर्गेनाइज करके रख दें। तो ये तो आप सबने ही नोटिस करा होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज करने के लिए कई बार केबल्स, वायर्स और अडैप्टर्स को चेंज करते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ऑफलाइन इसी तरीके का एक वायरलेस मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन परचेज करा एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट क्यों ना आप सबके साथ में शेयर करूं। इसमें मल्टीपल आपको चार्जिंग स्लॉट्स आते हैं, एक वायरलेस चार्जिंग पैड है और स्पेशल वॉच को चार्ज करने के लिए एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आपका जो वॉच का जो चार्जर है वो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। पीछे वायर को इंसर्ट करने के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपनी जो वॉच है उसको रख सकते हैं एंड ये फटाफट चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फ़ोन वायरलेस पे रख सकते हैं, आपके जो टैबलेट्स हैं, जो आईपैड्स हैं वो आप इस तरीके से रख के चार्ज कर सकते हैं। मुझे वॉल्स को प्लेट के थ्रू डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर प्लेट को आप वॉल के ऊपर हैंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हैंगर नहीं होता है।
तो सोडा कैन का ये जो ओपन करने वाला साइड होता है इसको आप निकाल सकते हैं और ये बहुत आराम से कैन से डिटैच हो जाएगा। अब आप इसे हैंगर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फिक्स करने के लिए आप यूज़ करें मोल्डेड क्ले, रेजिन और हार्डनर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस हार्डनर को जहाँ पर भी आपको इस हुक को लगाना है वहाँ पर आप क्ले लगाएं और क्ले के ऊपर इस हैंगर को अब चारों तरफ से उसे अच्छे से कवर कर दें और इसे अच्छे से ड्राई होने दें फॉर अराउंड 3 to 4 आवर्स। और उसके बाद में आप इसे वॉल के ऊपर बहुत आराम से हैंग कर सकते हैं। आपकी प्लेट कभी भी नीचे नहीं निकलने वाली है, चाहे आप ग्लास की प्लेट लें या फिर सेरेमिक की। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको आज के आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you next time with another video. Till then, stay home, take care, and bye-bye.